जो वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक महिला होने के बावजूद भी सबूत को मिटाए जा रही है, तो इस देश के प्रधानमंत्री से भी यही निवेदन करता हूँ कि हमने भारी मात्रा से वोट करके आपको प्रधानमंत्री दोबारा बनाया है, तो जब तक ये कानून कड़क नहीं होगा, आप सऊदी और दुबई जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को सम्मान देते हो, घूमते हो, दुबई में मंदिर बना रहे हो, दुबई में सऊदी में मंदिर बना रहे हो, लेकिन सऊदी और दुबई का एक कानून हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं कर रहा है, जो कानून बनाना चाहिए रेप के ऊपर, सीधा सीधा फांसी। शिवसेना सिंधे गुट के मारूफ खान जी ने एक श्रद्धांजलि रख के अपना दुख प्रकट किया है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ है ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सभी लोगों को जय महाराष्ट्र और जय हिंद। जैसा कि ये श्रद्धांजलि रखकर हमने दुख जताया है, और कोलकाता में जो इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें डॉक्टर के, जो डॉक्टर ज़िंदगी बचाता है, उसके साथ में इतना गंदा काम किया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया आप लोगों ने, तो सबसे पहली चीज़ महिलाओं को सपोर्ट दीजिए, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, और जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज हो गया या जितने भी कॉलेज स्कूल है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाकर महिलाओं को सिक्योरिटी दीजिए, ताकि जितनी भी महिला हैं वो खुलेआम घूम सके। आज ऐसा हो गया कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि डॉक्टर का ही रेप हो रहा है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। तो प्रशासन और सीएम, जो वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक महिला होने के बावजूद भी सबूत को मिटाए जा रही है, और जो दरिंदा जिसने रेप किया है उसको खुलेआम, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये एक तरह का रेप नहीं, एक तरह का प्लान था, जिस तरह से वो 4 बजे अंदर घुसकर 1 घंटे में उसने उस महिला का रेप करके बाहर आ गया, और 8 से 9 लोगों ने उस हॉस्पिटल में जाके तोड़म ताड़ी करके सारे सबूत को मिटा दिया। तो इस देश के प्रधानमंत्री से भी यही निवेदन करता हूँ कि हमने भारी मात्रा से वोट करके आपको प्रधानमंत्री दोबारा बनाया है, तो जब तक ये कानून कड़क नहीं होगा, आप सऊदी और दुबई जाके वहाँ के प्रेसिडेंट को सम्मान देते हो, घूमते हो, दुबई में मंदिर बना रहे हो, दुबई में सऊदी में मंदिर बना रहे हो, लेकिन सऊदी और दुबई का एक कानून हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं कर रहा है, जो कानून बनाना चाहिए रेप के ऊपर, सीधा सीधा फांसी। जैसे कि इस्लामिक कानून आपके हिसाब से आप चाहते हैं? हाँ, मेरे हिसाब से इस्लामिक कानून सिर्फ रेप के लिए, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में लागू करें। ठीक है, जैसे कि आजकल लोगों के अंदर एक डर नहीं है, डर का माहौल नहीं है, जब चाहे जिससे भी जिससे जो कुछ करना है लोग कर लेते हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे आने के एक इंसान के रूप के अंदर एक हैवान छुपा था, जो इतने दरिंदे के साथ में उसने एक काम किया। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जब कोई इतना बड़ा काम करता है तो जाहिर सी बात है उसको किसी बड़े आदमी का सपोर्ट होता है। आज वो कॉलेज के अंदर, मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर घुसकर इतना बड़ा कांड हुआ है, तो जाहिर सी बात है किसी पॉलिटिकल लेवल पर या कोई ना कोई प्रशासन का आदमी मिलकर ये काम करा गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के सीएम साहब से भी यही कहना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी नहीं कि और पूरे हिंदुस्तान में सारी महिलाओं को एक सिक्योरिटी दी जाए, ताकि हर महिला खुलेआम घूम सके और कॉलेज जा सके, और हर जगह घूमने की उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि 9 अगस्त की रात में एक इतना बड़ा हादसा हो गया और हॉस्पिटल में ही हो गया, और हॉस्पिटल में किसी को पता ही नहीं चला, तो जैसे खुद अपने हॉस्पिटल के अंदर वो अपने डॉक्टर की, लेडी डॉक्टर की अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो आम जनता की हिफाजत कैसे होगी? इस बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है मेडिकल, तो वहाँ पर जब इतना बुरा हादसा हुआ तो वहाँ पर उस लड़की ने चिल्लाया भी होगा, तो क्या किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दी? तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये पूरा प्लान था उसको मारने का, उसका रेप करने का। बताया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कि उसके दोनों पैर की हड्डियाँ फ्रैक्चर है, और जैसे गले की हड्डी भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है, आँखों में चश्मा कांच घुस चुकी है उसकी, मतलब इतना दर्दनाक मंजर था वो। उसके बाप को भी बॉडी 2 घंटे के बाद उसके बाप को भी बॉडी देखने के लिए मिली है, तो सीधा ये तो पूरी प्लानिंग लगती है मेरे हिसाब से। जैसे कि आरोपी तो पकड़े गए, ममता बनर्जी ने खुद आश्वासन दिया कि जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है हम उसके ऊपर करेंगे। ममता बनर्जी ने सिर्फ आरोपी को पकड़ा है, लेकिन इसके अंदर आरोपी देखा जाए तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर 8 से 9 लोगों का सीसीटीवी फुटेज था, जिन्होंने जहाँ पे ये वारदात हुई
और वारदात होने के बावजूद वो जगह पे सबूतों को भी मिटाया गया। तो मैं ममता बनर्जी से यही कहना चाहता हूँ कि 8 से 8 लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये नहीं कि 14 साल और 10 साल की सज़ा दे के उनको छोड़ दिया जाए। मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको फांसी की सज़ा दे या पब्लिक के हाथों में छोड़ दे। जैसे कि एक जनता के अंदर एक डर का माहौल फैल गया है, आज जैसे एक कलकत्ता के अंदर हुआ, कल को कहीं पे भी हो सकता है। आज लोग बाहर निकलने के लिए, जैसे लेडीज़ लोग हैं, जैसे अपने काम के हिसाब से या कहीं जॉब पे जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, आज उनके इसमें एक डर का माहौल हो गया है। तो इस माहौल के बारे में गवर्नमेंट और प्रशासन के से आप क्या बोलोगे? प्रशासन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो काम आप मेट्रो में लगा रहे हो, वही काम महिलाओं की सुरक्षा में लगाइए। सबसे ज़्यादा लोगों को मेट्रो की नहीं, महिला की सुरक्षा की ज़रूरत है। आज आप देख रहे हो, 3 दिन पहले की बात है, मुंबई के साकी नाका में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। एक ट्विटर पे आर्टिकल पढ़ा था आज से 2 साल पहले मैंने, एक 6 महीने बच्ची के साथ में रेप हुआ है। तो जब तक ये हिंदुस्तान में रेप का कानून, रेप के लिए मौत की सज़ा नहीं होगी, तब तक ये रेप बंद नहीं होने वाला है। जान, आप लोगों को पता होगा कि कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप करके एक बेरहमी से उसका मर्डर हो गया, उसका मीन्स उसकी जान ले ली गई। इस बारे में आप क्या कहोगे? हम तो यही चाहते हैं कि वो जो भी दरिंदा है उसको फांसी की सजा देना चाहिए। ऐसे सारे आम किसी को भी छोड़ देते तो किसी की भी बेटी सुरक्षित नहीं है। यही बोलना चाहते हम लोग कि किसी को भी दे तो फांसी की सजा ही दे। कोई किसी की बेटी ऐसी खड़े आम ऐसे छोड़ नहीं सकता कि मारने के लिए नहीं छोड़ते अपनी बेटियों को। बेटी सुरक्षित नहीं है किसी की भी। आज मेरी बेटी हो या किसी की भी बेटी रहो, सब बेटियों को हिफाजत चाहिए हम लोगों को।